अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आउटपुट डिवाइसेस पे, स्पेशली आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस थी। तो पिछले लेक्चर में हमने काफी मुख्तसरन यानी कि इख्तसार के साथ एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे पढ़ा और समझने की कोशिश की कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और पर्टिकुलरली हमने डिस्प्ले डिवाइसेस की बात की कि डिस्प्ले डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और वो किस किस तरह से काम करती हैं। लेकिन आज के लेक्चर से हम इन्हें इन तमाम आउटपुट डिवाइसेस खासकर डिस्प्ले डिवाइसेस जो हैं इन्हें डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं क्योंकि वो आउटपुट डिवाइसेस हैं तो हम ये समझेंगे कि ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं डिस्प्ले डिवाइसेस इनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके कौन कौन से फीचर्स हैं जिनकी बेस पे इन्हें डिस्टिंग्विश किया जाता है, यानी कि एक डिस्प्ले स्क्रीन जो है उससे किस तरह से किसी दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन से उसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, सबसे पहले हमारे पास उसका साइज हो सकता है कि स्क्रीन एक स्क्रीन छोटी है हमारे पास एक बड़ी है, तो साइज एक बहुत ही अहम जो है उसकी करेक्टरिस्टिक है। उसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है, उसका जो है वो उसका कलर है या मोनोक्रोम है या फिर कलर मॉनिटर है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है रेजोल्यूशन क्या है उसकी स्क्रीन की। तो इन्हें वन बाय वन आज हम गो थ्रू करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो की। साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसका साइज कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। तो हमेशा जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है इन्हें मेजर किया जाता है डायगनली। डायगनली किसे कहा जाता है, जिस तरह से मैंने ये एक यहाँ पे मॉनिटर बनाया, मैं एक और आपको बना के समझा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मॉनिटर है, तो हमारे जहन में जब भी उसके साइज की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि भैया इस सीमत में शायद इसकी जो है इस डायरेक्शन में इसकी जो है वो विड्थ को हम नापते होंगे, मेजर करते होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, ये गलत तरीका है इसकी जो है वो साइज को मेजर करने का। इसका सही तरीका यह कि इसे हमेशा डायगनली इस रुख पे इस तरह से इसे मेजर किया जाता है, डायगनली इसे मेजर किया जाता है। जिस तरह से ये देखिए, मैंने सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या लिखी है, साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो। साइज जो है मेजर डायगनली, मैंने जैसे बताया कि इसे डायगनली इस सीमत में जो है ये मेजर किया जाता है, इस सीमत में मेजर नहीं किया जाता। एस्पेक्ट रेशियो है नेक्स्ट इसका। एस्पेक्ट रेशियो क्या है कि इसकी हाइट और विड्थ जो है, इसकी रेशियो क्या है हाइट की और विड्थ की। आमतौर पे हमारे पास जो इसकी हाइट और विड्थ की रेशियो होती है वो आमतौर पे 16:9 या 16:10, यानी कि ये क्या है 16:9 या 16:10, ये है कि भाई अगर हमारी एक डिस्प्ले स्क्रीन है ना, ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास यही फॉर एग्जांपल अगर साइज है हमारे पास के 16 उसकी क्या है उसकी विड्थ है और 9 उसकी क्या है हाइट है, तो लेकिन अगर ये इससे बड़ी कर दी जाए तो उसकी रेशियो यही रहने वाली है 16:9 की, इसी रेशो के साथ वो बढ़ती जाएगी। बेशक बहुत बड़ी स्क्रीन भी हो जाए लेकिन उसकी रेशो आमतौर पे यही ली जाती है 16:9 या फिर 16:10, जिसमें 16 जो है वो उसकी विड्थ होगी एक्स होगा और जो 9 या फिर जो 10 है ये उसकी क्या होगी हाइट होगी, जो उसकी वाई की वैल्यू होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, उसका कलर। स्क्रीन का कलर कौन सा है, देखें आजकल हमने देखा है, बल्कि जो अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बीएस के स्टूडेंट जो बीएस में पढ़ रहे हैं या फिर जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें मोनोक्रोम का नहीं पता। इन्हें जो ब्लैक होते थे, ब्लैक मॉनिटर्स होते थे या ब्लैक टेलीविजन होते थे, उनसे ये वाकिफ नहीं है। जो आज से अगर हम 20 या 25 साल पीछे चले जाएं तो तब आमतौर पर घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे जो कि सिंगल कलर जो दिखाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल जिसमें वो या तो ब्लैक एंड व्हाइट होता था या फिर वो ग्रीन एंड व्हाइट होता था या फिर रेड होता था, तो कोई भी एक सिंगल कलर जो है वो होता था टेलीविजन का या फिर डिस्प्ले स्क्रीन का, या जो मॉनिटर शुरू शुरू में आए थे वो भी इसी तरह से थे, वो सिंगल कलर को रिप्रेजेंट करते थे, उसमें जिस तरह से कलरफुल इमेजेस जो है वो नहीं बना करते थे। तो ये जो कलर है ये बहुत बड़ी अहम करेक्टरिस्टिक है, इसे इन जो कलर मॉनिटर्स हैं हमारे पास जिन्हें आजकल हम जानते हैं देखते हैं, वो कौन से मॉनिटर्स हैं, आरजीबी मॉनिटर्स कहा जाता है इन्हें। आरजीबी का क्या मतलब है, आर स्टैंड फॉर रेड और जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड फॉर ब्लू। रेड ग्रीन एंड ब्लू मॉनिटर्स, इन्हें रेड ग्रीन एंड ब्लू या आरजीबी मॉनिटर्स कह दिया जाता है। इख्तसार के साथ हम इसे जो एब्रीवेशन इसकी क्या बना देते हैं, आरजीबी, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तीन कलर्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर, और इन तीनों कलर्स से बाकी तमाम के तमाम जो दुनिया जहान के कलर्स हैं वो इन तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो है वो हम बना सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मॉनिटर्स देयर आर कलर मॉनिटर्स बट अर्लियर द मॉनिटर्स वर मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का मतलब है सिंगल कलर, तो मल्टी कलर, मोनो का लफ्ज जब भी आएगा या यूनी का लफ्ज आएगा तो उसका मतलब होता है एक।
तो मोनोक्रोम का मतलब है सिंगल कलर। इसके बाद कौन से आए मॉनिटर्स, कलर मॉनिटर्स आए। कलर मॉनिटर्स कैन प्रोड्यूस 256 कलर्स, तो 256 जो कलर्स हुए हैं वो बनाए जा सकते हैं। वैसे मैंने जैसे बताया पहले कि बेसिक कलर्स तीन होते हैं आर जी बी, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो कितने कलर्स वो बना सकते हैं 256 कलर्स। और बाकी भी जो जितने भी शेड्स होते हैं वो भी सारे के सारे इनके कॉम्बिनेशन से, एंड नंबर ऑफ कलर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मॉनिटर इज कॉल्ड द कलर डेप्थ। कलर डेप्थ क्या है कि इन कलर्स के साथ हम कितने ज्यादा जो है वो कलर्स बाकी जो शेड्स हैं या और कलर्स जो है वो हम बना सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कलर डेप्थ कहा जाता है। तो इसके बाद द डिफरेंट शेड्स दैट अ मॉनिटर कैन प्रोड्यूस इज कॉल्ड द ग्रे स्केल। ग्रे स्केल किसे कहते हैं, ग्रे स्केल कहते हैं द डिफरेंट शेड्स दैट अ मॉनिटर कैन प्रोड्यूस। जो आपका मॉनिटर जो है वो एक कलर के डिफरेंट शेड्स प्रोड्यूस कर देता है ना, उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रे स्केल कहा जाता है। एक मॉनिटर जितने भी किसी कलर के शेड्स प्रोड्यूस करेगा उसे ग्रे स्केल हम कहेंगे। तो ये हमने देखा कि बेसिकली कलर क्या है, आरजीबी, तीन कलर से मिलकर बनता है। मैं आरजीबी मॉनिटर्स भी कहा जाता था शुरू शुरू में कि ये आरजीबी मॉनिटर है, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू की बेस पे, कलर्स की बेस पे ये चलता है और कलर्स प्रोड्यूस करता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि आरजीबी के साथ बाकी तमाम के तमाम कलर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जितने भी कलर जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं वो उसे क्या कहते हैं, कलर डेप्थ कहते हैं। और ग्रे स्केल क्या है कि एक कलर के आप जितने भी शेड्स जो है वो प्रोड्यूस करें उसे ग्रे स्केल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है, वो है रेजोल्यूशन। द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर। देयर आर दीज आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला क्या होता है, वर्टिकल। तो इसे हम एक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स यानी एक्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स यानी के वाई। तो रेजोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन अ स्क्रीन। पिक्सल्स क्या होते हैं, देखिए आपकी जो स्क्रीन है ना, ये छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है। जब आप एक कोई भी इमेज देखते हैं तो वो आपको नजर आ रहा होता है उन डॉट्स की वजह से। जो भी कलर बन रहा होता है, जो भी कलर स्कीम बन रही होती है, उन डॉट्स को वो कलर दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी आपके सामने पिक्चर आ रही है, तो मेरे ये वाला जो यहाँ पे इस पोर्शन पे जो पिक्सल्स होंगे उन्हें ब्लैक कर दिया गया होगा, जो यहाँ पे है उन्हें जो है वो गंदमी रंग या जो भी मतलब किसी का व्हाइट कलर है या ब्लैक कलर है या जो भी है उस कलर से उसे जो है वो लाइट दे दी जाती है और वो उस कलर के साथ वो रोशन हो जाते हैं वो वाले पिक्सल्स। तो पिक्सल जो होते हैं बेसिकली डॉट्स होते हैं, टाइनी डॉट्स होते हैं। देखें आप अक्सर कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो काम करते हैं, तो कैलकुलेटर जो है उसमें अगर वन लिखना हो तो आपको पता है दो डॉट्स उसके ऊपर ऑन किए जाते हैं, और वो डॉट्स जो होते हैं बहुत बड़े डॉट्स होते हैं। इतना बड़ा डॉट होगा अगर हम उसे पिक्चर बनाने के लिए जाएंगे तो आपकी पिक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी, गोल गोलाई में सर्कल में वो पिक्चर नहीं बन सकती, वो हमेशा उसमें जो है वो वर्टिकल सा आंसर रह जाएगा, यानी कि वो गोलाई में नहीं होगी बल्कि स्क्वायर की फॉर्म में वो आपका पिक्चर बनेगा अगर आपके डॉट्स बड़े होंगे। लेकिन अगर आपके डॉट्स जो है वो जितने ज्यादा ब्रीक होंगे उतनी शार्प, उतनी क्लियर और उतनी जो है वो अच्छी जो है वो पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो कैलकुलेटर के ऊपर जो डॉट्स होते हैं वो बेसिकली उसके पिक्सल्स ही हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो लेटेस्ट कैलकुलेटर आ रहे हैं उन पे वो डॉट्स को छोटा कर दिया गया, जिसपे आपने देखा होगा कि वो वहां पे अक्सर जो है वो हम फिगर जो लिखते हैं वो गोलाई में लिखी जाती है। उसकी वजह यही है कि पिक्सल्स को छोटा कर दिया गया। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने छोटे पिक्सल्स होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका इमेज बनेगा, उतना ही शार्प इमेज बनेगा। तो एक दफा दोबारा इसे रिवाइज करते हैं, द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स, कितने पिक्सल जो है वो आपका जो मॉनिटर उस पर शो हो रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। दीज आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स। तो ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स इस साइड पे कितने आ रहे हैं और इस साइड पे कितने आ रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1600 मल्टीप्लाई बाई 900, ये हमारे पास एक जो है वो इसकी रेजोल्यूशन होती है। बेशुमार रेजोल्यूशन हैं, आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत कम रेजोल्यूशन कर देंगे, ये वाली कम कर देंगे ना रेजोल्यूशन, आप बीच में जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं मॉनिटर की, डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन की, तो वहां पे आप अगर कम कर देंगे तो आपके जितने भी इमेजेस हैं वो बड़े बड़े आपको नजर आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। जबकि अगर आप ये रेजोल्यूशन जितनी बढ़ाते जाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सपोर्ट कर रहा है आपका मॉनिटर या आपका जो वीडियोग्राफिक एरे जो आपने उसमें वीजीए कार्ड लगाया हुआ है वो सपोर्ट कर रहा है, तो जितनी ज्यादा आप इसे करते जाएंगे, रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल्स को बढ़ाते जाएंगे, आपका इमेज छोटा होता जाएगा, ज्यादा क्लियर आपको, ज्यादा शार्प इमेज आप देख सकेंगे। इसके बाद है
टोटल ऑफ, तो इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल जितने बनते हैं, जो कि हम अगर ये वाली रेजोल्यूशन हमने की हुई है ना 1600 मल्टीप्लाई बाय 900, तो हमारे पास इतने पिक्सल अवेलेबल होते हैं अपने इमेज को दिखाने के लिए। इसके बाद है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है? रिफ्रेश रेट बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी इमेज बनता है तो उस इन पिक्सल्स को कोई लाइट दी जाती है, इन पिक्सल्स को कलर दिया जाता है, इन्हें ऑन कर दिया जाता है। जब ये ऑन होते हैं ना तो ये बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन रहते हैं, फिर ये ऑफ हो जाते हैं। तो बार बार स्क्रीन को क्या किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है, ताकि वो वाले पिक्सल जो है वो ऑन रहे और आपको अच्छा इमेज जो है वो देखने को मिले, शार्प इमेज देखने को मिले। अगर रिफ्रेश रेट कम होगा तो डेफिनेटली आपका इमेज जो है उसकी क्वालिटी डाउन होगी, और अगर आपका रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो भी बेहतर होगी। एक दफा इसे स्टडी कर लेते हैं। द स्पीड बाई विच अ स्क्रीन कैन रीड्रॉ एन इमेज इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल स्कैन रेट और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन हर्ज, ये हर्ज में इसे मेजर किया जाता है, और नंबर ऑफ टाइम्स द स्क्रीन रिफ्रेश इन अ सेकंड। तो आमतौर पर हमने देखा है कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है ना वो 75 के राउंड अबाउट होता है, या फिर 85। तो 75 से 85 के बीच बीच में जो है ना ये इसका रिफ्रेश होता है, और इसे मेजर किया जाता है किसमें, हर्ज में इसे मेजर किया जाता है। एक दफा दोबारा इसे देख लेते हैं। द स्पीड बाई विच अ स्क्रीन कैन रीड रहा एन इमेज इट इज नोन एज वर्टिकल स्कैन रेट और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी। तो जितना उसे बार बार वो रीड रहा कर रहा होता है एक इमेज को, बार बार क्योंकि वो रिफ्रेश कर रहा होता है, इसलिए आपके जो है ना पिक्सल जो होते हैं वो बार बार रीड रहा हो रहे होते हैं वही इमेज। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सटिल आप पिक्चर देख रहे हैं तो बार बार वो रिफ्रेश हो रहा है, वही इमेज बार बार रीड रहा हो रहा है। तो आमतौर पर मैंने बताया कि 75 से 85 जो है वो रिफ्रेश रेट होता है आपका। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फॉस्फोरस जो डॉट्स होते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, बेसिकली फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं जो कि जिन्हें लाइट दी जाती है, जिन्हें रोशन किया जाता है, तो वो आमतौर पे फेड होना शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, सेकंड के बहुत हजारवें हिस्से में वो क्या होता है, वो फेड हो जाता है। तो बार बार उसे रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो आपको इमेज शार्प रहे, वो लाइट जो है वो उसकी ऑन रहे। इसके बाद है डॉट पिच। डॉट पिच जो है डिस्टेंस अमंग पिक्सल्स इज कॉल्ड डॉट पिच, मेजर इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में इसे मेजर किया जाता है, यानी कि जो आपका एक पिक्सल है और दूसरा जो पिक्सल है उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। अब आप खुद सोचें कि अगर वो डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया जाए तो क्या इमेज अच्छा बनेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जितना डिस्टेंस बीच में कम होगा उतना ही आपका शार्प इमेज बनेगा, उतना ही आपका अच्छा क्वालिटी का इमेज बनेगा। तो ये 0.23 से लेकर 0.26 जो है इसके दरमियान में जो है ये डॉट पिच हमारी होनी चाहिए, या होती है अमूमन जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं उसकी डॉट पिच 0.23 से लेकर 0.26 के दरमियान होती है। इसके बाद है वीडियो अडाप्टर। वीडियो अडाप्टर होता है एक कार्ड होता है आपके मॉनिटर के अंदर, जो है आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है, जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है किसे, मॉनिटर को या आपकी डिस्प्ले स्क्रीन को। तो ये वाला जो कार्ड है ये बहुत डिपेंड करता है आपकी आपकी डिस्प्ले जो है ना स्क्रीन उसकी क्वालिटी पे। अगर आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जो है वो इमेज देखना चाहते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले अडाप्टर उसके अंदर लगाएंगे। अगर अच्छा, ये डिस्प्ले अडाप्टर जो है ये बिल्ट इन भी आ रहा होता है, यानी कि बोर्ड के अंदर ही होता है लगा हुआ, पहले से लगा हुआ होता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो अगर आप चेंज करना चाहें, आप वीडियो गेम्स 3D गेम्स वगैरह आप खेलना चाहते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का जो है वो वीडियो अडाप्टर उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये वीडियो अडाप्टर वाला जो है इसमें मैं एक नेक्स्ट लेक्चर जो है वो पूरा रिकॉर्ड करवाऊंगा कि वीडियो अडाप्टर क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने कुछ फीचर्स पे बात की कि डिस्प्ले स्क्रीन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और आपने अच्छी तरह से इन फीचर्स को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वीडियो अडाप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।